वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में, जिसमें हम लोग आईएएस 1200 पार्ट 12 की बात करेंगे, जिसमें आप लोगों का प्लास्टर एंड पॉइंटिंग के लिए नॉर्म्स दिया गया है, उसके लिए कैसे हम लोग डिडक्शंस करेंगे। उसके साथ साथ में ही मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं प्लास्टर के लिए कुछ बेसिक नॉलेज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी ऐसे टॉपिक्स आए उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं आप लोगों से प्लास्टर के बारे में। तो प्लास्टर क्या होता है दोस्तों, कि हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक कोटिंग होती है जो हम लोग अपने ब्रिक वॉल पे लगाते हैं। जो भी विदरिंग एक्शंस होने वाले हैं विंड के कारण, मॉइस्चर के कारण, रेन के कारण, उन सबसे अपने वॉल्स को बचाने के लिए हम लोग प्लास्टर की क्वांटिटी करते हैं। इसमें कुछ हम लोग पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले प्लास्टर करवाते टाइम अगर मेरा रफ सरफेस है, जहां पे मैं उसको आउटर सरफेस भी बोल सकता हूं, रफ सरफेस के लिए हम लोग जो थिकनेस लेते हैं प्लास्टर की वो 15 mm लेते हैं। वही चीज अगर मैं स्मूथ सरफेस की बात करूं तो वहां पे हम लोग जो प्लास्टर करते हैं उसकी थिकनेस हम लोग लेते हैं 12 mm। अब ये रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस होता क्या है, जैसे कि जो मेरा मेसन है, जो ब्रिक लेयर है, वहां पे जो मेसन मेरा ब्रिक्स को लगाएगा, अगर वो अंदर की तरफ बैठ के लगा रहा है तो आप देखेंगे कि वो अंदर से तो सही जमा लेगा, पर बाहर मेरा क्या हो जाएगा, रफ सरफेस। तो यहीं पे मेरा जो स्मूथ सरफेस है और रफ सरफेस है उनको प्लेन करने के लिए ही मेरे को रफ सरफेस के लिए 15 mm का प्लास्टर लेना होगा और स्मूथ सरफेस के लिए मेरे को 12 mm का प्लास्टर लेना होता है। थर्ड में अगर बात करूं उसके मिक्स रेशियो की, तो मेरा ये वैरी करता है 1:4 से 1:6 तक में। तो प्लास्टर हम लोग इतने से रेंज में हम लोग लगा सकते हैं। अगर मैं कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स की बात करूं तो प्रोटेक्टिव मेजर में जब भी मैं प्लास्टर कराऊंगा तो मेरी जो ब्रिक वॉल रहेगी उसको मैं को सबसे पहले उसमें पानी स्प्रेड कर देना है, ताकि जो भी उसमें एब्जॉर्प्शन है ब्रिक्स का वो उस पानी को सोख ले, ताकि जब मैं उसमें मोटार लगाऊं तो वो मोटार के पानी को ना खींच पाए, नहीं तो हमारा प्लास्टर अच्छे से नहीं लग पाएगा। दूसरी चीज, मेरे को उसमें सीमेंट स्लरी भी डालनी होगी थोड़ी बहुत, जिसको हम सीमेंट पानी बोलते हैं, जिसकी क्वांटिटी मैं 4.4 kg पर स्क्वायर मीटर के हेल्प से निकाल लूंगा। तो ये दो तीन चीजें हमको ध्यान रखना होगा जब भी हम लोग प्लास्टर बनाएंगे लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जो हमारा आईएस 1200 पार्ट 12 है उसके लिए जो हम लोग प्लास्टर एंड पॉइंटिंग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या डिडक्शंस करते हैं। उसके लिए आपको जाना है सबसे पहले 3.8 क्लॉज में। तो चलते हैं, तो यहां हम लोग 3.8 के क्लॉज में आ गए हैं प्लास्टर के, जिसमें आपका 3.8.1 में दिया हुआ है फॉर जैम्स सॉफिट सील्स एटसेट्रा फॉर ओपनिंग्स नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर ईच इन एरिया फॉर एंड्स ऑफ जॉइंट्स बीम पोस्ट गर्डर स्टेप्स एटसेट्रा नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर ईच इन एरिया एंड फॉर ओपनिंग्स एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर एंड नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर स्क्वायर इन ईच एरिया डिडक्शंस एंड एडिशंस शैल बी मेड इन द फॉलोइंग मैनर। यहाँ पे अब लोग बात करने वाले हैं जनरली तीन क्राइटेरिया में यहाँ के डिडक्शंस को हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहला, जब आपका जो एरिया ऑफ ओपनिंग है वो अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से कम होगा तो उसके लिए हम लोग को कोई भी डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है, पर जब आपका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में होगा तब हमको कुछ डिडक्शंस करने हैं, जो कैसे होंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए क्लॉज में दिया हुआ है आपका नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर एंड्स ऑफ जॉइंट्स बीम्स पोस्ट एटसेट्रा एंड ओपनिंग्स नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर ईच एंड नो एडिशन शैल बी मेड फॉर रिवील्स जैम्स सॉफिट सील्स एटसेट्रा ऑफ दिस ओपनिंग्स नॉर फॉर फिनिश टू प्लास्टर अराउंड एंड्स ऑफ जॉइंट्स बीम पोस्ट एटसेट्रा। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहला क्लॉज आपको बताया जा रहा है कि 0.5 मीटर स्क्वायर से अगर आपका जो ओपनिंग है उसका एरिया कम है तो वहां पे हम लोगों को कोई एडिशन नहीं करना है आपके जैम्स सॉफिट सील का। जैसे कि अगर मेरा वेंटिलेशन होता है तो वेंटिलेशन का एरिया जनरली 0.5 मीटर स्क्वायर से कम होगा, तो वहां के लिए जो हम सील सॉफिट्स और जैम्स यूज करते हैं और उनके चौखट में भी जो हमको प्लास्टर करना रहता है उसके लिए कोई भी डिडक्शन या कोई भी एडिशन करने की आपको जरूरत नहीं है।
सेकंड देखते हैं, डिडक्शंस फॉर ओपनिंग्स एक्सीडिंग 0.5 मीटर स्क्वायर बट नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर स्क्वायर्स ईच शैल बी मेड एज फॉलोज एंड नो एडिशन शैल बी मेड फॉर रिवील्स जैम्स सॉफ्ट सील्स एटसेट्रा ऑफ दिस ओपनिंग्स। मतलब कि यहाँ सेकंड क्लॉज में हम लोग बात करने वाले हैं 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में अगर आपकी एरिया ऑफ ओपनिंग है तो उसके लिए भी आप लोगों को कोई एडिशन करने की जरूरत नहीं है, जो भी जैम्स सॉफिट्स और सील्स रहेंगे। पर व्हेन बोथ फेसेस ऑफ वॉल आर प्लास्टर्ड विद सेम प्लास्टर डिडक्शन शैल बी मेड फॉर वन फेस ओनली। जैसे कि अगर आप प्लास्टर कर रहे हैं इंटरनल वॉल के लिए 12 mm और आउटर वॉल के लिए आप 15 mm का, तो वहां पे आपको सिर्फ एक फेज में ही डिडक्शन करना है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन टू फेसेस ऑफ वॉल आर प्लास्टर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टर और इफ वन फेस इज प्लास्टर्ड एंड अदर पॉइंटेड डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम द प्लास्टर और पॉइंटिंग ऑन द साइड ऑन विच विड्थ ऑफ रिवील इज लेस देन ऑन द अदर साइड बट नो डिडक्शन शैल बी मेड ऑन द अदर साइड वेल विड्थ ऑफ रिवील्स ऑन बोथ फेसेस ऑफ वॉल आर इक्वल डिडक्शन ऑफ 50% ऑफ एरिया ऑफ ओपनिंग ऑन ईच फेस शैल बी मेड फ्रॉम एरियाज ऑफ प्लास्टर और पॉइंटिंग एज द केस मे बी। मतलब कि जो आपका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में होगा और आप अगर दोनों फेस पे प्लास्टर कर रहे हैं तो आपको जो डिडक्शन करना है वो एक फेस पे ही करना है, जिसके लिए आपका जो एरिया ऑफ ओपनिंग रहेगा उसको आपको 50% डिडक्ट करना है। इसमें भी आपके जैम्स सॉफिट्स और सील्स का कोई भी एडिशन नहीं होगा, ये चीज आपको सेकंड पॉइंट में ध्यान रखना है। बट अगर मैं बात करूं व्हेन ओनली वन फेस इज प्लास्टर्ड एंड अदर फेस इज नॉट फुल डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम प्लास्टर इफ विड्थ ऑफ रिवील ऑन प्लास्टर्ड साइज इज लेस देन दैट ऑन अनप्लास्टर्ड साइज बट इफ विड्थ ऑफ रिवील ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल और विड्थ ऑफ रिवील ऑन प्लास्टर साइड इज मोर नो डिडक्शन शैल बी मेड। यहां पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि जब आपका अगर एक फेस प्लास्टर्ड है तो आपको जो डिडक्शन करना है वो आपके विड्थ जो रहेगी उससे लेस देन होगी। अगर आपका चौखट जो है अगर वो विड्थ से लेस देन होगा तो आपको दोनों साइड में ही आपको क्या करना है उसका डिडक्शन करना है। पर उसमें एक्स्ट्रा जो हम लोग डिडक्शन करेंगे या एडिशन करेंगे वो चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। फिर व्हेन विड्थ ऑफ डोर फ्रेम इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ वॉल और इज बियॉन्ड थिकनेस ऑफ वॉल फुल डिडक्शन फॉर ओपनिंग शैल बी मेड फॉर ईच प्लास्टर्ड सरफेस ऑफ द वॉल। मतलब कि अगर आपका जो चौखट है अगर आपकी विड्थ ऑफ वॉल के इक्वल है तो आपको दोनों तरफ ही उसका डिडक्शन करना होगा। पर अगर आपकी चौखट जो है वो अगर बीच में होती है विड्थ ऑफ वॉल के तो आपको एक फेस पे ही डिडक्शन करना है। या तो आप 12 mm के लिए डिडक्शन कर लीजिए या 15 mm के लिए डिडक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग जो ओपनिंग देखने वाले हैं, इन केस ऑफ ओपनिंग्स ऑफ एरिया अबव 3 meter square ईच डिडक्शन शैल बी मेड फॉर ओपनिंग ऑन ईच फेस बट जैम्स सॉफिट्स एंड शील्ड शैल बी मेजर्ड। मतलब कि अगर आपका एरिया ऑफ ओपनिंग 3 meter square से ज्यादा होता है उस केस में आपको 100% डिडक्शन करना है। उसके साथ में ही आपको जो जैम्स सॉफिट और सील्स में भी हम लोग जो प्लास्टर करेंगे उसका भी आपको एडिशन करना होगा, तभी आपको उस चीज का पैसा मिलेगा। अब यहां पे मैं अगर पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो अगर मेरी ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो उसके लिए जो मैं उसके साइड्स में जो चौखट की मैं बात कर रहा हूं अगर वहां पे मैं प्लास्टर कर रहा हूं तो उसके लिए मेरे को कोई पैसा नहीं मिलेगा। पर वही चीज अगर मेरी ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में होगी तो उसके लिए मेरे को 50% का पैसा मिलेगा और 50% का ही डिडक्शन होगा। पर वही अगर 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा की मेरी ओपनिंग है तो मैं जो चौखट में प्लास्टर करूंगा क्योंकि मेरे को उसके साइड्स में भी प्लास्टर करना होता है वहां पे भी मेरी कुछ क्वांटिटी लगेगी, तो जहां पे आपके एरिया ऑफ ओपनिंग 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा हुई वहां पे आप लोगों को एडिशन करना होगा जैम्स और सॉफिट्स और सील्स का, क्योंकि उस एरिया में भी आप प्लास्टर करेंगे और उस चीज का आपका पैसा पूरा 100% मिलेगा, इसलिए हम लोग इसका फुल डिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ तीन चीजें ध्यान रखनी है, तीन ही क्लॉज है जिसमें आपका एक एरिया है 0.5 मीटर स्क्वायर से कम जिसमें आपको कोई भी डिडक्शन नहीं करना है, जिसमें आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा जो भी आप साइड में प्लास्टर करेंगे। सेकेंड आपका क्लॉज है 0.5 मीटर स्क्वायर से अगर 3 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो आपको 50% डिडक्शन करना है और उसका 50% ही पैसा मिलेगा आपको। थर्ड क्लॉज है आपका
जिसमें एरिया आपका 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा, उस केस में आप लोगों को 100% डिडक्शन करना है, जिसका पैसा आपको 100% मिलेगा। जस्ट आपको जो साइड्स है, जो जैम्स है, सॉफिट्स होते हैं, सील्स होते हैं, उनका एडिशन करना होगा जिसमें आप प्लास्टर करने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग ने यहाँ पे IS 1200 को देखा। सिमिलरली अगर मैं प्लास्टर की बात करूं तो यही क्लॉज है, पॉइंटिंग की भी बात करूं तो पॉइंटिंग के केस में भी मेरे यही क्लॉज है कि मेरे को किसमें कितने परसेंट का डिडक्शन करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे डिडक्शंस करते हैं एज पर IS 1200 पार्ट 12 में, इसी से ही रिलेटेड वीडियो मैं आज शाम को 6 बजे आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कैसे हम लोग डिडक्शन करेंगे एक रूम के लिए। तो उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग ओपनिंग्स के लिए, जो अभी हम लोग ने नॉर्म्स पढ़ा, उसके लिए डिडक्शन कैसे करेंगे। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए ताकि जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ, मैं लाते रहूंगा आप लोगों के लिए ऐसे ही टॉपिक्स। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ।